गुड इवनिंग साथियों सभी को एक बार फिर से जोहार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर फाउंडेशन में और आज का जो टॉपिक है छोड़ा छोटा सा टॉपिक है लगभग आधे घंटे मैं आप लोग का लूंगा और इसमें हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के जीवन परिचय पर बात करेंगे ठीक है आप सभी जो भी झारखंड से रिलेटेड है या झारखंड को जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा के विषय में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा जरूर सुना होगा जब मैं आप लोगों को खेल खिलाड़ी पढ़ा रहा था तो उस दिन भी मैंने काफी चर्चा किया था कि आज झारखंड खेलों में अगर इतना आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल रही है हमारे पूर्वजों से खासकर ऐसे खिलाड़ी से जयपाल सिंह मुंडा से जिन्होंने ना केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व तो किया है बल्कि वो पहली गोल्ड मेडल जो भारत को दिलवाए थे हॉकी में वो जयपाल सिंह मुंडा ही थे उन्हीं की कप्तानी में टीम इंडिया जो है ओलंपिक में पार्टिसिपेट की थी और 1928 में गोल्ड मेडल भारत को हासिल हुआ था ठीक है तो एक बहुत बड़ा नाम है बहुत बड़ा चेहरा है आप लोग को झारखंड की विभूति पढ़ना है और उस विभूति में हम लोग जयपाल सिंह मुंडा को आगे रखेंगे जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भी हम लोग को जानना जरूरी है ठीक है तो आइए उनके जीवन के विषय में आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं छोटे से वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग बेसिक से लेंगे कि सबसे पहले उनका जो प्रारंभिक जीवन है उनका जो शैक्षणिक जीवन है उसको सामने रखेंगे उसके बाद उनका जो करियर है उसको सामने रखेंगे उसके बाद वो एक आंदोलनकारी के रूप में कैसे सामने आए और अंत में वो एक राजनेता के तौर पर कैसे सामने आए इसको पार्ट बाय पार्ट करके आप लोगों के सामने आज के इस वीडियो में हम रखने वाले हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं जयपाल सिंह मुंडा का जीवन परिचय खिलाड़ी क्रांतिकारी के बाद राजनेता यहां पर मैंने टाइटल ही दिया है कि शुरुआत में खिलाड़ी थे एक पहचान वाले खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल तक जिताया बाद में झारखंड निर्माण से रिलेटेड एक क्रांतिकारी भी बनी उसके बाद वो एक राजनेता के तौर पर रहे और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है ठीक है दिल्ली में रहते हुए तो शुरू करते हैं दोस्तों एक एक करके उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्लास को ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे समझ रहे होंगे और इस क्लास का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार भी था क्लास कल ही होने वाला था लेकिन नेट के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कल यह क्लास पोस्टपोन हो गया था ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है जयपाल सिंह मुंडा ठीक है क्या है टॉपिक आज का टॉपिक है जयपाल सिंह मुंडा का जीवन परिचय जयपाल सिंह मुंडा का जीवन परिचय ठीक है जयपाल सिंह मुंडा का जीवन परिचय पर हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले जब किन्हीं का हम लोग जीवन परिचय पढ़ते हैं दोस्तों ठीक है आप लोग को नोट्स भी अगर चाहिए तो मैं ये बोर्ड वाला नोट्स मैं आप लोग को दे दूंगा ठीक है इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से बना दे रहा हूं नोट्स आप लोग के लिए प्रारंभिक जीवन को सबसे पहले देखते हैं जन्म कहां हुआ जन्म कब हुआ प्रारंभिक शिक्षा कहां कहा से उन्होंने प्राप्त की सबसे पहले इन सब चीजों को देखते हैं ठीक है तो टॉपिक क्या है आज का आज का टॉपिक है जयपाल सिंह मुंडा का जीवन परिचय ठीक है जयपाल सिंह मुंडा का जीवन परिचय आज का यही टॉपिक है यहां पर हम लोग लिखते हैं क्योंकि आप लोग को नोट्स भी देना है ना इसलिए अच्छे से लिखना पड़ेगा जयपाल सिंह मुंडा का जीवन परिचय ठीक है जयपाल सिंह मुंडा का जीवन परिचय ये आज का आज का हमारा टॉपिक है ठीक है जीवन परिचय में सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे साथियों इस जीवन परिचय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ कहां हुआ और कब हुआ ठीक है जन्म कहां हुआ और जन्म कब हुआ तो पता होगा आप लोगों को इनका जन्म तीन फरवरी 1903 ईस्वी को ठीक है 3 फरवरी 1903 ईस्वी को कहा हुआ टकरा टकरा एक गांव पड़ता है कहा खूंटी में ठीक है टकरा एक गांव पड़ता है खूंटी में वहीं पे जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था दिख रहा ना आप लोग को प्रॉपरली हां नोट जो लोग करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं है ना और जिनको पीडीएफ चाहिए होगा पीडीएफ भी हम दे देंगे तीन फरवरी 1903 सौ ईस्वी को टकरा गांव खूटी में इनका जन्म हुआ था देखिए जन्म तो खूटी में हुआ उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई अब जन्म के बाद हम लोग क्या जानेंगे माता पिता के बारे में नहीं पूछा जाता उतना सबके बारे में ठीक है इनके प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो संतपाल स्कूल रांची से हुई संतपाल स्कूल रांची ठीक है संतपाल स्कूल रांची से इनको इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी ठीक है लेकिन ये प्रारंभिक शिक्षा जो हुई दोस्तों ये संतपाल स्कूल रांची से जो पढ़ाई किए ये आठवीं तक ही किए ठीक है।, है क्योंकि जो संतपाल स्कूल के जो बिशप थे उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए इनको इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया ठीक है संतपाल स्कूल के जो बिशप थे उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए यानी कि आठवीं क्लास में यहां ही रहे थे उसी समय आगे की शिक्षा के लिए इनके बिशप के द्वारा है ना आठवीं के बाद ही आगे की शिक्षा के लिए इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया ठीक है इंग्लैंड भेज दिया गया आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए एक्चुअली इनके जो बिशप थे वो जा, वो ये चाहते थे कि ये बड़ा जब हो तो ये झारखंड का पहला जनजातीय बिशप बने ठीक है ऐसा उनका सोच था कि जयपाल सिंह मुंडा कि संतपाल स्कूल में पढ़ रहे थे मिशन स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उनके जो बिशप थे स्कूल के उन्होंने इनको इंग्लैंड भेजा और ये चाहते थे कि ये, ये जनजातीय बिशप बने और ये झारखंड का पहला जनजातीय बिशप बने ठीक है क्या ये आगे चल के जनजातीय बिशप बने थे ये हम लोग आज बताएंगे ठीक है आगे डिस्कस करेंगे ठीक है तो ऐसा वो चाहते थे ये मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये बस उनकी थिंकिंग थी है ना आगे बने कि नहीं बने वो अभी आपको क्लियर हो ही जाएगा उसके बाद वहां आगे की और भी शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से करने लगे ठीक है पहले शिक्षा उनका देख लेते हैं विश्वविद्यालय स्कूली शिक्षा कंप्लीट होने के बाद वो आगे की जो शिक्षा है वो कहां से किए दोस्तों वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से किए और वहीं पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ही वो जो विश्वविद्यालय की जो टीम थी उसी टीम से वो खेलने लगे ठीक है वहीं से उनके खेल की जीवन की शुरुआत होती है बाद में इतने बड़े खिलाड़ी बनते हैं एक बात मैं यहां पर इनके जीवन से रिलेटेड बताना चाहता हूं आप लोगों के मन में भी यह सवाल उठता होगा दोस्तों कि एक आदिवासी थे एक मुंडा थे तो इनके नाम में सिंह कैसे लगा हुआ है ठीक है आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जयपाल सिंह मुंडा जो थे इनका नाम जो था इनका जो उपनाम था वो सिंह था यहां मैं लिख रहा हूं उपनाम क्या था सिंह था सिंह और सिंह का मतलब होता है सूर्य समझे कि नहीं आप लोग इनका जो उपनाम था वो सिंह था जयपाल सिंह और सिंह का मतलब होता है सूर्य ठीक है सिंह का अर्थ क्या होता है शाब्दिक अर्थ सूर्य होता है लेकिन ये इंग्लैंड जाने के बाद ये सिंह जो है कैसे सिंह में बदल गया पता नहीं चला उसके बाद में सब लोग इनको जयपाल सिंह मुंडा बोलने लगे ठीक है सभी जगह इनका नाम जो है जयपाल सिंह मुंडा लिखाने लगा समझ रहे हैं ना आप लोग तो ये ये वाला बात याद रखिएगा इनका नाम जयपाल सिंह मुंडा नहीं था जयपाल सिंह मुंडा था ठीक है और सिंह इनका एक उपनाम भी था दोस्तों जिसका अर्थ होता है सूर्य ठीक है ना क्लियर हो गया आप लोग का ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग को बताना जरूरी है इंग्लैंड में स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए वहां की जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की जो ब्लू दल थी है ना ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की जो ब्लू दल थी ब्लू दल से खेलने लगे ब्लू दल से ये खेलने लगे ठीक है ना आप लोग नोट कर रहे हैं ना आप लोग मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा आगे की चीजें लिखने के लिए हाँ, क्रिश्चन धर्म अपनाने के बाद ईश्वरदास भी इनका नाम हो गया था यह भी एक उपनाम था इनका ईश्वरदास है ना यह भी एक उपनाम था जो भी जरूरी चीजें हैं वो आप लोग को जानना जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से देखो शुभम कुमार आप समझदार स्टूडेंट हो ठीक है भाई झारखंड जी के जिस एग्जाम में पढ़ना है वहां तो पढ़ना ही है सब कुछ अब ये पार्टिकुलरली क्यों पूछते हो कि ये ये एक उत्पाद सिपाही के लिए भी पढ़ना है सर ये वाला कोई पूछता है, है भाई झारखंड जी के जहां जहां लिखा है सबको पढ़ना है उत्पाद सिपाही के लिए अलग से झारखंड जी के नहीं आता है ठीक है सीजीएल के लिए अलग से नहीं आता है टीचर के लिए अलग से नहीं आता है झारखंड जी के मतलब झारखंड जी के ठीक है झारखंड के इंफॉर्मेशन झारखंड के बारे में पूरी जानकारी झारखंड जी के मतलब ये होता है उत्पाद सिपाही में अलग झारखंड जी के नहीं आता ठीक है।, है तो समझा कीजिए सब चीजों को ओके okay, यहां तक कोई दिक्कत अब चलिए अब ये विश्वविद्यालय की हॉकी टीम में खेलते थे वहां खेलते 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 अब उस समय देश तो गुलाम था दोस्तों और हम लोग ओलंपिक में भाग भी लिए थे 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था तो वो एक तरह से ब्रिटिश की हुकूमत यहाँ पर तो उन्हीं की टीम थी मानिए तो भारत की टीम भले थी लेकिन ब्रिटिश हुकूमत चल रहा था तो 1928 में वो एम्सटर्डम ओलंपिक में ये भी बात आप लोग नोट कीजिएगा हॉकी खेलते खेलते 1928 में एम्स टर्डम ओलंपिक में भारत का क्या किए थे प्रतिनिधित्व किए थे ठीक है भारत का प्रतिनिधित्व किए थे कप्तान के रूप में कप्तान के रूप में पूरा याद हो जाएगा सुनते सुनते इस तरह की क्लास देखो खाली फैक्ट बताएंगे ना तो वो रहेगा कि दिमाग से निकल भी सकता लेकिन इस तरह से कहानी की तरह पढ़िएगा ना तो आप लोग को पूरा याद हो जाएगा कप्तान थे और भाई उस समय उस टीम के ये कप्तान थे जिस टीम में मेजर ध्यानचंद जैसे हॉकी के जादूगर खेला करते थे ठीक है आज आप लोग को पता होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल क्षेत्र का उस पुरस्कार का नाम भी बदल दिया गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है उस मेजर ध्यानचंद जो विश्व में हॉकी के जादूगर माने जाते थे उस टीम के कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा ठीक है ना ये तो खेल का हो गया अब ये जब पढ़ाई लिखाई इनका कंप्लीट हो गया अगर इनके वैवाहिक जीवन की बात भी हम लोग करेंगे इन्होंने पहली शादी जो इन्होंने की वो तारा मजुमदार से की ठीक है तारा मजुमदार कौन थी तारा मजूमदार जो थी वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी की पोती थी ठीक है तारा मजुमदार से इनका पहला विवाह हुआ वो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी की पोती से हुआ और विवाह सफल भी रहा ठीक है लंबे समय तक विवाह चला भी इनके बच्चे भी थे दो दो बच्चे भी थे उसमें लेकिन जब ये इंग्लैंड से भारत लौटने का निर्णय लेते हैं तो इनके विवाह में खटास आ जाती है ठीक है और तारा मजूमदार से इनका तलाक हो जाता है ठीक है तो ये वैवाहिक जीवन है बाद में ये एक और विवाह करते हैं एक और विवाह किससे करते हैं दोस्तों पता है आप लोग को बताइए कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए किनसे करते हैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं मैं। नहीं जो बुक में बेटी दिया है ना वो गलत है मैं जो सोर्सेस आपको बता रहा हूं ये एक यूनिवर्सिटीज की बुक है यूनिवर्सिटी में चलती है आप लोग को इतिहास की बुक पता होगी झारखंड का इतिहास आता है बी बिरोत्तम का उसमें लिखा मैंने भी आज अभी तक यही पढ़ा था पहले यही पढ़ा था कि वो वोमेश चंद्र बनर्जी की बेटी थी लेकिन बी बिरोत्तम की किताब कहती है कि वो उमेश चंद्र बनर्जी की पोती थी ठीक है तारा मजुमदार तो मुझे लग रहा है आप लोगों को कंफ्यूजन इसमें होगा समझ रहे ना जी दूसरा विवाह जो होता है जहां आरा के साथ होता है दूसरा विवाह किन के साथ होता है जहां आरा के साथ होता है और जहां आरा जो थी ना उनका कहिए तो कांग्रेस के साथ अच्छा खासा संबंध था आगे मैं बताऊंगा कि कैसे झारखंड पार्टी के विलय में जहां आरा की भूमिका थी ठीक है ये हम आगे डिस्कस करेंगे तो यह थोड़ा सा वैवाहिक जीवन भी जानना जरूरी था तो बता दिया आप लोगों को अब इनके करियर की बात करें दोस्तों पहले तो भैया भारत लौट लौट रहे थे तो उनका विवाह जो है तलाक हो गया पहली पत्नी से इसके बाद ये क्या करते हैं कुछ समय बाद घाना चले जाते हैं घाना में शिक्षक की नौकरी करते हैं कहां, कहां रहे वो आपको मैं बता दे रहा हूं ठीक है ये इंफॉर्मेशन सब जगह नहीं दिया हुआ है कुछ ही किताबों में दिया हुआ है घाना में शिक्षक की नौकरी करते हैं कुछ समय तक उसके बाद भारत आ जाते हैं भारत में कलकत्ता में कुछ समय तक कलकत्ता में रहते हैं और कलकत्ता में कुछ समय ये नौकरी करते हैं ठीक है कुछ समय भारत में कलकत्ता में नौकरी करते हैं किसी कंपनी में उसके बाद ये चले जाते हैं राजस्थान है ना राजस्थान के राजकुमार कॉलेज में क्या बन जाते हैं ये क्यों क्या क्या कमेंट आ रहा है आप लोग का हा? राजकुमार कॉलेज है जयपुर में उसके प्राचार्य बन जाते हैं ठीक है राजकुमार राजकुमार कॉलेज जयपुर के प्राचार्य बन जाते हैं जिस समय ये कलकत्ता में नौकरी कर रहे थे दोस्तों उस समय ये मोहन बागान की तरफ से भी खेलते थे ठीक है आप लोग को लीग मैच के बारे में पता होगा कि मोहन बागान बहुत फेमस है बंगाल का तो वो जिस समय कलकत्ता में नौकरी करते थे उस समय ये मोहन बागान की ओर से भी खेलते थे है ना फिर राजस्थान गए राजस्थान में राजकुमार कॉलेज जयपुर के प्रचार बन गए और धीरे 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 वो बीकानेर रियासत के साथ जुड़ गए ठीक है बीकानेर रियासत हुआ करता था जो भी रियासत ढेर सारा था उसमें बीकानेर बिका, रियासत भी था बीकानेर रियासत में रियासत रियासती मंत्री बन गई है ठीक है रियासती मंत्री कहने का मतलब यह हुआ जो वहां से लोग विदेश जाते थे समझे मैक्सिमम लोग उस समय अफ्रीका जाते थे तो उनका विभाग ये देखते थे समझे जो लोग विदेश जाया करते थे जो लोग वहां से अफ्रीका जाया करते थे ठीक है औपनिवेशिक मंत्री कह सकते हैं उस उस पद का नाम है औपनिवेशिक मंत्री ठीक है यहां तक क्लियर हो गया मैं आगे पेज बढ़ाऊं आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको मैं छोटा कर देता थोड़ा चलिए अगला पॉइंट क्या है बिकानेर रियासत से जुड़कर औपनिवेशिक विभाग के औपनिवेश विभाग के मंत्री बन गए ठीक है अब औपनिवेशिक विभाग का मंत्री का क्या काम होता है आप लोगों को पता बता दिए कि जो लोग भी बीकानेर रियासत से बाहर जाते थे अफ्रीका जाते थे या दूसरे देशों में जाते थे तो उनका ब्यौरा रखने का इनका काम था ठीक है अब कोई भी विदेश जाता है तो उस एक पेपर बनाना पड़ता है ना मतलब उनका पूरा ये बनता है कि परमिशन एक तरह से सरकार से लेना पड़ता है तो वो विभाग ये देखते थे बीकानेर रियासत के अंदर कैसे कैसे ये अपनी चूंकि ये राजनीति से ही गए थे कैसे कैसे ये पटना आए थे ठीक है और उसी क्रम में झारखंड क्षेत्र में जो बिहार का ही एक भाग था झारखंड उस क्षेत्र में एक आंदोलन चल रहा था ठीक है और आप लोग को बताए भी हैं कि 1938 ईस्वी में झारखंड के पांच अलग अलग संगठन एकजुट होते हैं ठीक है पांच अलग अलग संगठन एकजुट होते हैं और एक बड़े संगठन का निर्माण करते हैं और उस संगठन का नाम होता है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा क्या नाम होता है दोस्तों छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा ठीक है उस उसके बैठक में जयपाल सिंह मुंडा को आमंत्रित किया जाता है और जयपाल सिंह मुंडा के आगमन से झारखंड के उन नेताओं में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा जो थे दोस्तों एक बहुत बड़ी हस्ती थे वो जहां जाते थे ना लोग भूखे प्यासे उनको सुनने के लिए चले जाते थे ठीक है अब खुद सोच के देखिए वो उस जमाने में झारखंड का एक आदिवासी लड़का उस जमाने में झारखंड का एक आदिवासी लड़का जो इंग्लैंड में जाके पढ़ाई करता है और एक आदिवासी लड़का जो बंगाली महिला से विवाह करता है बंगाली लड़की से विवाह करता है कितना आउटस्टैंडिंग होंगे वो कितने तेज दिमाग के होंगे और कितने तेज तरार होंगे ठीक है वो उस समय की बात है तो आप समझ सकते हैं कि कितने तेज तरार थे तो जयपाल सिंह मुंडा जो थे ये जब उन्नीस में आते हैं बैठक में इनको आमंत्रित किया जाता है तो एक नई ऊर्जा झारखंड आंदोलन में ये फूक देते हैं उन्नीस ईस्वी में इनको अध्यक्षता करने के लिए कहा जाता है और जैसा कि आपको मैं बता दू कि जो छोटा नागपुर संथाल प्रगना आदिवासी सभा था एक बड़ा नाम था संगठन का उस संगठन का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है आदिवासी महासभा कर दिया जाता है ठीक है ये सब हम झारखंड निर्माण आंदोलन में बताए हैं इसलिए हम यहां लिख नहीं रहे हैं आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा तो उन्नीस में छोटा नागपुर संथाल प्रगना आदिवासी सभा का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है आदिवासी महासभा कर दिया जाता है लेकिन उससे कुछ उस संगठन से भी कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था क्योंकि कांग्रेस 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 जो पार्टी पार्टी थी उस समय वो पार्टी जब भी झारखंड निर्माण आंदोलन की बात की जाती थी जब भी झारखंड के नेता कांग्रेस से झारखंड निर्माण की बात करते थे तब उन्हें यह बात के उनको बहला फुस लिया फुसला लिया जाता था कि अभी हम लोग हम लोग का देश गुलाम है अभी हम लोग को सबको एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ होना चाहिए ठीक है अभी हमें आपस में राज्य बंटवारे की अभी समय नहीं है अभी सभी लोग आइए देश के राष्ट्रीय आंदोलन में आप लोग साथ दीजिए यही कह करके आदिवासियों के आंदोलन को कमजोर कर दिया जाता था ठीक है वक्त गुजरता गया वक्त गुजरता गया एक समय ऐसा आया जब जयपाल सिंह मुंडा को ऐसा लगने लगा कि केवल आदिवासियों की मदद से या केवल आदिवासियों की संगठन से हम झारखंड जो मांग है झारखंड की जो मांग है अलग राज्य की जो मांग है उसे हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते ऐसा एहसास होने लगता है जयपाल सिंह मुंडा को क्योंकि आदिवासी महासभा का गठन उन्नीस में होता है देश आजाद भी हो जाता है ठीक है आप लोग को बीच में पता भी होगा कि इस संगठन का मुस्लिम लीग के साथ भी आ, अच्छा तालमेल हो जाता है कुछ समय के लिए है ना क्योंकि कांग्रेस हमेशा इनकी बातें सुनती नहीं थी तो एक मुस्लिम लीग के साथ चले जाते थे ठीक है तो होता कुछ था ऐसा ऐसा दोस्तों कि 1950 में यही आदिवासी महासभा संगठन कैसे बदलता है रूप ये मैं बताता हूं आप लोग को आप लोग बोलते होंगे झारखंड पार्टी एक नया दल बना था झारखंड पार्टी कोई नया दल नहीं था दोस्तों ये दल वही था आदिवासी महासभा ही था लेकिन उसकी विचारधारा बदल चुकी थी ठीक है कैसे बदल चुकी थी क्योंकि 1950 ईस्वी में जब झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह मुंडा करते हैं है ना जयपाल सिंह मुंडा जब झारखंड पार्टी का गठन 1950 में करते हैं उनचास में ही इकतीस दिसंबर उन्नीस को पूरी कार्यक्रम होती है और आधिकारिक तौर पर एक जनवरी 1950 को झारखंड पार्टी का गठन हो जाता है ठीक है आप लोग जो लोग नोट कर रहे हैं मैं बोल रहा हूं आप लोग शॉर्ट नोट बनाते जाइएगा आप लोग को हेल्प मिलेगा ठीक है देखो पंचमी कुमारी जी आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये इंफॉर्मेशन कहाँ से दे रहे हैं मुझे नहीं पता है लेकिन मैं कोई अपने मन से चीजें नहीं बोल रहा हूँ झारखंड की एक ऑथेंटिक किताब आती है जो यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटीज में चलती है मैं सिंह वाली बात वहां से बोला हूँ ठीक है मैं कोई अपने मन से चीजें नहीं बोल रहा हूँ आप लोग हर चीज को ऐसा सेंस में मत लीजिए बी बिरोत्तम की किताब आप लोग को मैं दिखाता हूँ बी बिरोतम की किताब में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि उनका नाम सिंह था ठीक है सिंह सिंह नहीं था सिंह नहीं था सिंह था वो सिंह बाद में वो बोलचाल की भाषा में सिंह हो गया ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं कोई भी चीजें मैं अपने मन से नहीं बोलता हूं ठीक है कोई भी शिक्षक जो होते हैं, अपने मन से चीजें नहीं लाते हैं उनके कोई ना कोई सोर्स होते हैं ठीक है चलिए समझा गया आप लोगों तो झारखंड पार्टी का विचारधारा क्या बदला जो आदिवासी महासभा था वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को लेके चल रहा था ठीक है लेकिन झारखंड पार्टी ने आदिवासी गैर आदिवासी सबके लिए अपने द्वार खोल दिए ठीक है और इसका ये परिणाम निकला कि झारखंड पार्टी एक मजबूत राजनीतिक संगठन बन गया ठीक है जब झारखंड पार्टी एक मजबूत राजनीतिक संगठन बन गया हालांकि 1946 के जो संसदीय चुनाव हुए थे है ना उसमें भी इसके तीन प्रतिनिधि विजय रहे थे जो कि संविधान सभा वाले थे संभि... आप लोग को यह भी पता होगा कि जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के भी सदस्य बने थे ठीक है जयपाल सिंह मुंडा को संविधान सभा का भी सदस्य बनाया गया था उन्नीस छियालीस का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें वो तो हार गए थे लेकिन वो संविधान सभा के सदस्य थे इसलिए वो संसद वो सांसद भी बने थे और लंबे समय तक वो सांसद रहे ठीक है उन्नीस का जब चुनाव होता है दोस्तों तो कांग्रेस तो खैर बहुत बड़ी पार्टी थी ही जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी 33 सीटें लेकर के आती है बिहार विधानसभा में और दूसरी सबसे बड़ी दल बनती है सुशील कुमार बागे को विपक्ष का नेता बनाया जाता है ठीक है इस प्रकार से एक मजबूत छाप राजनीति में जयपाल जैप, सिंह मुंडा हालांकि अगर हम बोले राजनीतिक तौर पर इनका जो विचार था वो उतना मजबूत नहीं था ठीक है इतने बड़े राजनेता नहीं थे हालांकि लोकप्रिय जरूर थे लेकिन राजनीति करने इनको उतनी अच्छी आती नहीं थी ठीक है और यही कारण हुआ कि धीरे धीरे झारखंड पार्टी कमजोर हो गया उन्नीस के चुनाव की अगर हम बात करें उन्नीस के चुनाव में जो झारखंड पार्टी 33 सीटें लेकर के आती है 1957 में 32 सीटें लेकर के विपक्ष में आती है उन्नीस के चुनाव में वो सीटें सिमट करके 20 हो जाती है ठीक है यही जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी थी सही ना आप लोग तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को कि धीरे धीरे झारखंड पार्टी कमजोर होने लग जाती है और जहां आरा जो इनकी पत्नी थी विनोदानंद झा जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनके साथ गहरे संबंध थे इनके राजनीतिक संबंध और राजनीति के मामले में जहां आरा जयपाल सिंह मुंडा से काफी ज्यादा तेज ठीक है ऐसा लिखा जाता है तो जहां आरा की जो नजदीकी कांग्रेस की थी यही वजह था कि विनोदानंद झा के प्रयास से तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बिनोदानंद झा बिहार के वर्ष उन्नीस सौ तिरसठ ईस्वी में जो है झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है हालांकि बिनोदन झा जो है वो तुरंत मुख्यमंत्री पद से फिर हट जाते हैं फिर कृष्ण बल्लभ सहाय जो है वो मुख्यमंत्री बिहार के बन जाते हैं लेकिन कांग्रेस वही पे जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी झारखंड पार्टी का विलय हो जाता है कांग्रेस के अंदर और इनकी जो लड़ाई है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और जैसे ही उन्नीस में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय होता है वैसे अगले दस साल तक कहिए जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन नहीं हुआ था तब तक झारखंड आंदोलन झारखंड में ऐसा लगता है, है। छोटे -छोटे संगठन फिर से बनते हैं जिसका कोई खास प्रभाव होता नहीं है ठीक है ना तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखना है एक सांसद रहते हुए ये लंबे समय तक सांसद रहे दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में ही इनके दिमाग में पर मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है अच्छा मनोज कुमार बोल रहे हैं स्लोली जी बीच में जयपाल सिंह मुंडा जो है जब चुनाव हारे थे उन्नीस के समय तो उस समय कुछ समय के लिए ये आसाम भी चले गए थे आसाम की चाय बागानों में ये भी चले गए थे कुछ समय के लिए लेकिन फिर वापस आते हैं और झारखंड पार्टी का गठन करते हैं और अंत रूप से मैंने आप लोग को बताया ये जो जहां आ रहा थी इनके पिता ये इतनी राजनीति में दिलचस्पी इसलिए रखती थी क्योंकि इनके पिता जो थे ना वो आईसीएस के सदस्य थे ठीक है इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य थे और इनकी राजनीति में अच्छी खासी रुचि थी कांग्रेस से अच्छा खासा इनका लगाव था और यही कारण हुआ कि कांग्रेस में इस पार्टी का विलय हो गया ठीक है कोई दिक्कत यहां तक तो ये बेसिक चीज उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा जयपाल सिंह मुंडा से रिलेटेड ज्यादा चीजें नहीं दी रहती है ज्यादातर किताबों में नॉर्मल नॉर्मल चीजें लिखी रहती है है ना कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी बताने का प्रयास किया आज इस सेशन के माध्यम से चलिए अब आज आज के लिए आप लोग का सवाल यह रहेगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु कैसे हुई थी और कब हुई थी आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों ठीक है इसी तरह का सेशन फिर हम लेके आएंगे किसी दिन बाकी कल आप लोग का फिर से एमसी क्यू से होने वाला है है ना तो आप लोग एमसी क्यू जरूर जुड़े और आप लोग को फिर से मैं इन्फॉर्म कर दू कि करियर फाउंडेशन का जो ऑफलाइन क्लास है इलेवन जेपीएससी के लिए टारगेट बैच और जो बच्चे आगे के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए फाउंडेशन बैच दो ऑफलाइन बैचेज की शुरुआत होगी 25 तारीख से ठीक है 25 अगस्त से अभी तक संभावित तिथि जो उद्घाटन का है एग्जैक्ट में दस तारीख तक क्लियर कर दूंगा उद्घाटन की जो संभावित तिथि है वो चौबीस अगस्त है रांची के सर्कुलर रोड, रोड में लालपुर के सर्कुलर रोड में ली डिजायर कॉम्प्लेक्स में हमारी नई ऑफिस और नई जो कक्षा है वो बनकर तैयार हो रही है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग के लिए वो एक नई ऊर्जा और नए तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे दोस्तों कोई भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज लगातार अपनी ओर से बेहतर होने का प्रयास करता है ठीक है और ये आप लोग भी भली बात ही समझते हैं जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका तैयारी इंप्रूव होता है ठीक है तो हम लोग भी जो काम करते हैं वो धीरे 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 और बेहतर करने का प्रयास करते हैं ठीक है हो सकता है कि हमारा काम बहुत लोगों को पसंद ना आता हो बहुत लोगों को लगता हो कि इन्हें और बेहतर करने की है। ऐसा बहुत लगता है लेकिन हमें भी लगता है ठीक है हमें हमारी पूरी टीम को लगता है कि हमें और बेटर करना है हमें और बेहतर सुविधा देना है छात्रों के लिए बेहतर इतनी अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है कि उनके लिए सभी चीजें आसान हो जाए ठीक है तो हम उसी में लगे हुए दोस्तों हमारी पूरी टीम लगी हुई है और हम लोग इस मंथ के एंड में जो हम लोग नए सेशन की शुरुआत करने वाले हैं नए ऑफिस की शुरुआत करने, करने वाले हैं तो सब कुछ हम लोग भी बदलने का प्रयास करेंगे बहुत सारी चीजें बदलेंगी नई ऊर्जा नई जोश नए जुनून और नए विचार के साथ हम लोग आएंगे ठीक है और कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को वर्ल्ड क्लास ठीक है जो भी चीजें मिले वर्ल्ड क्लास मिले ये हमारा लगातार प्रयास रहता है और और आगे ये बेहतर होता चला जाएगा ठीक है तो आज के सेशन में हम लोग यहीं पर इसको एंड करते हैं इस सेशन में जी बिल्कुल 1970 में ब्रेन हेमरेज से नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी ठीक है भाई चलो तो आज के लिए इतना ही दोस्तों पंचमी कुमारी जी आप ले सकते हैं करियर फाउंडेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आप ऑफिशियल नंबर पे बात कर सकते हैं ठीक है वहाँ से जानकारी मिल जाएगी चलिए दोस्तों तो अभी मैथ की क्लास होगी आप लोग की दस बजे है ना तो मैथ की क्लास में जुड़िए फटाफट थैंक यू सो मच गुड नाइट सभी को रात्रि